कांग्रेस नेता अनवर हवलदार के प्रयासों से नेरुल सेक्टर 21 में फुटपाथों की हालत बदलने वाली है। नई मुंबई महानगर पालिका ने यहां के सभी फुटपाथों के नवीनीकरण के लिए 8.5 लाख का कार्यादेश दिया है। आज कांग्रेस नेता अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष अनवर हवलदार ने इन विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान कई पदाधिकारी और नागरिक भी मौजूद थे। देखे रिपोर्ट। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अनवर हवलदार और युवा समाज सेविका नसीम हवलदार की लगातार मांग और पहल के बाद आज से नेरुल सेक्टर 21 इलाके में फुटपाथ की मरम्मत और विकास कार्यों का शुभारंभ हो गया है। नागरिकों की मौजूदगी में आज अनवर हवलदार ने नारियल फोड़कर इन नागरी विकास कार्यों का शुभारंभ किया। लंबे समय से यहाँ फुटपाथ बदहाल थे, जिन्हें बदलने की मांग चल रही थी। महानगर पालिका फुटपाथों की मरम्मत पर 8,42,000 रुपयों का खर्च करने वाली है। स्थानीय नागरिकों ने इस विकास पर खुशी जताई और कांग्रेस नेता की सराहना करते हुए कहा कि नेरुल को अनवर हवलदार जैसे सच्चे लोक प्रतिनिधि की जरूरत है। इधर जो विकास का कार्य हो रहा है, किस सेक्टर के लोग बहुत ही खुश है। काम तो होता है, काम करते हैं, लेकिन क्विक एक्शन देके पब्लिक की सेवा करने के लिए वो माहिर है। बताना जरूरी है कि स्थानीय नगर सेवक की अनदेखी से परेशान नागरिकों ने इस फुटपाथ को बदलने के लिए कांग्रेस नेता अनवर हवलदार से शिकायत की थी। उन्होंने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को निवेदन देकर यहाँ के सभी फुटपाथों की मरम्मत और निर्माण की मांग की। इसका शुभारम्भ करते हुए अनवर हवलदार ने कहा कि नेरुल के इन बदहाल फुटपाथों के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी, जिसका अब समाधान हो जाएगा। उन्होंने मनपा आयुक्त और अधिकारियों के प्रति भी आभार जताया। ये जहां हम खड़े हैं, ये यहां से लेके आगे तक के डीमार्ट तक के फुटपाथ की हालत बहुत ही खस्ता है। कुछ कुछ जो छोटी गलियां हैं अंदर के साइड में, वहां पर तो फुटपाथ ही नहीं है, और जो फुटपाथ है किसके ढक्कन टूटे हुए, चैम्बर के कहीं पे पूरे प्योर ब्लॉक उखड़े हुए, रोड बनने की वजह से फुटपाथ की साइज भी वो नीचे चली गई है। तो लोगों को जाने में चलने में बहुत दिक्कत यहाँ पर आ रही थी। कई सीनियर सिटीजन जो यहाँ के रहवासी है, उनकी मुझे हमेशा कंप्लेंट आती थी ये फुटपाथ को सुधारा जाए, क्योंकि ये लेवल कहीं पर भी लेवल नहीं है। जो फुटपाथ बनने जा रहा है ये कहीं पर भी लेवल नहीं है। इसके लिए बार बार कंप्लेंट आने के बाद में मैंने बार बार इस काम को फॉलो किया और आज आपके सामने इसका चित्र दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।